हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स दिस मी हुसैन एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट बहुत इनमें से टॉपिक्स भी हमने कवर किए आई uh, और पीटी के भी और भी दुनिया के मुख्त टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे लेकर आते रहेंगे आज जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट है मैं एक बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ मैंने कहा चलिए आज बच्चों को भी थोड़ा सा खुश कर दें बच्चे भी जो कहानियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो मैंने कहा बच्चों को कहानी सुना देते हैं तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ शहजादा आलम जेब एक नहायत खूबसूरत और नेक दिल शहजादा था बादशाह और मलका ने शुरू ही से इसकी और तरबियत पर खास तवज्जो दी थी इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो जहीन भी था और तलवारबाज भी नेज़ाबाज और नज़ाबाजी तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था बादशाह को उम्मीद थी कि जब वो इसके बाद तख्त संभालेगा तो एक बेहतरीन हुक्मरान साबित होगा एक रोज़ इसने शहजादा आलमजेब को तलब किया और बोला शहजादे हमारे बाद तुमने ही ये तख्त संभालना है लेकिन हमारी ख़्वाहिश है कि तख्त संभालने से पहले तुम दुनिया को घूम फिर कर देख लो इससे तुम्हें बहुत सी बातें पता चलेंगी और तजुर्बा भी हासिल होगा ये तजुर्बा बाद में तुम्हारे बहुत काम आएगा बस अब तुम सफ़र की तैयारी शुरू कर दो ये याद रखना कि तुम एक आम और गरीब आदमी की हैसियत से अपने सफ़र पर रवाना हुए होगे महल से निकलते हुए ना तो तुम्हारे पास रकम होगी और ना ही सवारी के लिए घोड़ा अपने अखराजात के लिए तुम्हें मेहनत मजदूरी करना होगी इससे तुम ये जान सकोगे कि हमारे मुल्क के गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और इन्हें कैसी कैसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इसके अलावा जब तुम वापस महल में आओ तो तुम्हारे पास एक अच्छी खासी रकम होना चाहिए ये रकम तुम्हें अपनी मेहनत ईमानदारी और जहानत से हासिल करना होगी अगर तुम कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा शहजादा हमारे बाद वाकई इस मुल्क का बादशाह बनने के लायक है शहजादा आलम जेब ने बादशाह से वादा किया कि वो इसके कहे पर अमल करेगा फिर इसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी इसके जाने की ख़बर मलका को हुई तो वह परेशान हो गई इसकी परेशानी भाम कर शहजादे ने माँ को तसली दी और कहा अम्मी हजूर मुझे यह अच्छा मौका मिला है मैं दुनिया में घूमूँ फिरूँगा तो कुछ सीखूँगा ही ये तजुर्बा बहुत ज़रूरी होता है और आइंदा ज़िंदगी में बहुत काम आता है मलका दिल पर पत्थर रख के खामोश हो गई अगले रोज़ शहजादा आलम से सफ़र पर निकल खड़ा हुआ इसके जिसम पर ना तो शाही लिबास था और ना ही इसके साथ घोड़ा था वह आम कपड़े पहनकर महल से निकला और एक तरफ रवाना हो गया बादशाह के हुक्म के मुताबिक इसकी जेबों में एक फूटी कौड़ी तक न थी वो सुबह के वक्त महल से निकला था और अब दोपहर हो गई थी इसने काफी फासला तय कर लिया था बहुत सी बस्तियां पीछे रह गई थीं और अब इसके सामने चटील मैदान था मौसम बहुत खुशगवार था आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे अब इसे भूख लगने लगी थी कुछ दूर आगे चला तो इसे एक जंगल नजर आया जंगल में बहुत से फलों के दरख्त थे इसने दरख्तों से फल तोड़े और इन्हें खाकर भूख मिटाई वहाँ बेरों की झाड़ियाँ भी थीं जिनमें सुर्ख सुर्ख मीठे बेड़ लगे थे इसने इन बेरों को तोड़कर कर अपनी जेबों में भर लिया ताकि फिर भूख लगे तो इन्हें खा सके करीबी इस एक दरिया बह रहा था इसने दरिया से पानी पिया और वह दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया इसका ख्याल था कि किसी आबादी में पहुंच जाए तो फिर सोचेगा कि इसे क्या करना है वो अल्लाह का नाम लेकर आगे की जानब चल पड़ा इसे चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी मगर वो था कि बग़ैर रुके चला ही जा रहा था थोड़ी देर बाद इसे किसी आबादी के आसार नज़र आने लगे छोटे छोटे घरों में इसकी नज़र पड़ी तो वो खुश हो गया और अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी ज़्यादा देर न गुजरी थी कि वो इस आबादी में पहुँच गया वो एक गाँव था जिसे जैसे ही वो गाँव में दाखिल हुआ तो एक आदमी इसकी तरफ आया और बोला तुम आजदमी मालूम देते हो क्या किसी काम की तलाश में हो शहजादा आलम सेब ने कहा आपने ठीक कहा मैं कोई काम करना चाहता हूं ताकि मेरे पास कुछ रकम जमा हो जाए और मैं दोबारा अपने सफर पर रवाना हो सकूं वह आदमी सुनकर खुश हो गया और इसे अपने साथ अपने घर ले आया घर में इसकी बीवी एक बेटा और एक बेटी थी वह सबसे ज़्यादा आलम जेब को देख बहुत खुश हुए जंगल से रवाना होते हुए इसने जो बेर अपने जेबों में भर लिए थे वो बेर इसने इस आदमी के बच्चों को दे दिए दोनों बच्चे खुश हो गए थोड़ी देर में इस आदमी की बीवी ने खाना तैयार कर लिया जब वो लोग खाना खा चुके तो इस आदमी ने कहा मेरा नाम बहराम है मैं चंद रोज़ पहले गांव में गांव में कुछ ज़मीन ख़रीदी है मेरा इरादा है कि इस पर खेती बाड़ी शुरू करूं मगर वो ज़मीन बहुत ऊँची नीची है मैं इसको हमवार नहीं कर सकता इस काम को तुम करोगे जब ज़मीन हमवार हो जाएगी और इसमें बीज बो दिए जाएंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी मैं तुम्हारी मेहनत के बदले इतनी रकम दूंगा कि तुम मज़े से दुनिया की सैर कर सको शहजादा आलमजेब ने इस काम को करने की हामी भर ली अगले रोज़ बहराम इसके साथ गया इसकी ज़मीन पर पहुंच गया ज़मीन वाकई बहुत ऊंची नीची थी शहजादा आलम सेब ने कदाल संभाली और काम शुरू कर दिया बहराम को कोई बहराम को कोई काम याद आ गया था इसलिए वो घर चला गया अचानक शहजादा आलमजेब की कदाल किसी धाती चीज पर टकराई इसने वहां की मट्टी को हाथों से हटाया तो इसे पीतल की एक हंडिया नज़र आई इस पर एक ढक्कन था इसने ढक्कन को उतार उठा कर अंदर झांका तो हंडिया में चमचमाती हुई सोने की अशरफियाँ नजर आईं वह इन अशरफियों को देखकर बहुत खुश हुआ और इस हंडिया को दोबारा मिट्टी में ढाम दिया इसके बाद वो फिर अपने काम में मशगूल हो गया दोपहर तक इसने सारी ज़मीन को हमवार कर दिया था इसने पूरी ज़मीन में थोड़े थोड़े फ़ासले पर कम गहरी नालियाँ भी बना दी थी ताकि इनमें बच्चों के इनमें बीजों को बोया जा सके ये बहुत मुशक्क़त का काम था मगर वो बड़ी जानफिशानी से लगा रहा इस कदर मेहनत का मेहनत का काम करने की वजह से शहजादा आलम से को थकन सी महसूस होने लगी थी वो सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया बहराम को गए हुए कुछ ही देर हुई थी वो जब घर से वापस आया तो शहजादा आलमजेब अपना काम ख़त्म कर चुका था इसके खेतों की ज़मीन बिल्कुल हमवार हो चुकी थी इसने इसकी मेहनत और काम की बहुत तारीफ़ की बहराम अपने साथ घर से खाना भी लाया था दोनों ने साथ बैठ खाना खाया शहजादा आलम सेब ने इसे अभी तक अशरफियों की हंडिया के बारे में कुछ नहीं बताया था दूसरे रोज़ जब बीज डालने की बारी आई तो शहजादा आलम सेब ने बहराम को वो हंडिया दिखाई बहराम बहुत खुश हुआ और बोला तुम तो बहुत ईमानदार लड़के हो तुम चाहते तो इस हंडिया को चुपके से निकाल कर ले जाते मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ मैं इसमें मौजूद आधी अशरफिया तुम्हें भी दूँगा शहजादा आलम सेब ने बहुत माना किया कि वह अशरफियाँ नहीं लेगा मगर बहराम ना माना हंडिया में एक हज़ार अशरफियाँ थी बहराम ने पाँच सौ अशरफियाँ दे दी शहजादा आलम सेब सोचने लगा कि इन अशरफियों का क्या करे इसके जहन में ख्याल है कि इसी गांव में फल के दरख्तों का एक बहुत बड़ा बाग था इसका मालिक इसे फ़रोग करना चाहता था शहजादा आलम सेब ने इन शरफियों से वो बाग़ खरीद लिया गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मजदूरी की तलाश में रहते थे इन में से इसने कुछ लोगों को बाग की देखभाल के लिए रख लिया इनके ज़िम्मे बाग के दरख्तों को पानी और खाद देना और दरख्तों से फलों को तोड़ना जमा करना इनका काम था शहजादा आलम सेब को गांव में रहते हुए काफ़ी रोज़ हो गए थे और इस दौरान वह अपने फलों के बाग की भी देखभाल करता था और बहराम के खेतों में भी काम करता था बहराम के खेत भी हरे भरे हो गए थे एक रोज़ इससे इस, ते इस ते बहराम ने कहा अपने मुल्क देखने का सफ़र तो अधूरा ही रह गया है अब मुझे चलना चाहिए आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फलों की बाग की निगरानी करते रहें बहराम ने इस काम की हामी भर ली शहजादा आलम आमजेब दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया इसके पास अब पैसों की कमी नहीं थी बहराम ने चलते हुए इसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए थे जो खेतों में काम करने की मजदूरी थी शहजादा आलम सेब ने एक बेहतरीन किस्म का घोड़ा भी खरीद लिया था जिसकी वजह से इसे बहुत आसानी हो गई थी चूँकि इसके पास बहुत सी रकम थी इसलिए अब इसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी वो किसी गाँव भी गाँव में या किसी शहर के सराय में काम करता चंद रोज वहाँ ठहर कर आसपास इलाका देखता वहां के लोगों से मिलता और उनके मसाइल का मुशाह करता और फिर आगे चल पड़ता इस में, इस, इस सफर में इससे बहुत मजा आ रहा था इससे इस बात की अच्छी तरह वाकफियत हो गई थी कि गरीब लोगों की मदद कैसे की जा सकती है आ, गरीब आ, लोगों को कैसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है आ, बाग के सारे अखर्जात निकालकर अशरफिया भी आ, इन, इसे, इसी मिल जाती थी शहजदा आलम से बशरफियों की थैरी लेकर इसका शुक्रिया अदा किया और बोला मेरी मुश्किल हल हो गई है चूंकि इसके पास बहुत सी रकम थी इसलिए अब इसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी और किसी भी गांव या शहर के सराय में क्याम करता चंद रोज़ वहाँ ठहर कर आस पास का इलाका देखता वहाँ के लोगों से मिलता इनके मसाइल का मुशाहिदा करता और फिर आगे चल पड़ता इस सफ़र में इसे बहुत मजा आया था इससे इस बात से अच्छी तरह वाकफियत हो गई थी कि ग़रीब लोग को, लोगों को कैसी कैसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इसने फैसला कर लिया कि महल जाकर बादशाह से कहकर इन सब की मुश्किलें खात्मा करवाएगा इससे महल से निकले हुए काफ़ी अर्सा हो गया था इसको अब बादशाह और मलका की याद सताने लगी थी इस अरसे में इसने तकरीबन पूरा मुल्क घूम लिया था अब इसने वापसी का इरादा किया सबसे पहले वो बहराम के गांव पहुंचा इसे ये देख कर बहुत खुशी हुई कि इसका वो बाघ जो इसने बहराम को दी हुई या शर्फियों के अवस खरीदा था मुख्तलिफ़ के फलों से लदा हुआ है बाग के निगरानों ने बड़ी मेहनत से काम किया था बहराम ने इसे बताया कि इसके बाग के फल बहुत अच्छी कीमत पर फरोख हो जाते हैं इसने एक अशरफियों से भरी हुई थैली शहजादा आलम सेब के हवाले की और बोला बाग के सारे खर्जात निकाल कर यह अशरफियाँ बची हैं इन्हें संभाल कर अपने पास रख लो शहजादा आम सेब ने अशरफियों की थैली लेकर इसका शुक्रिया अदा किया और बोला मेरी मुश्किल हल हो गई है अब हजूर ने यही हुक्म दिया था कि मैं वापस आऊँ तो मेरे पास अच्छी खासी रकम भी होना चाहिए फिर इसने बहराम को अपनी पूरी कहानी सुना दी बहराम को जब पता चला कि वह इस मुल्क का शहजादा है तो वो परेशान हो गया और बोला शहजादे साहब माफ़ कीजिएगा मुझे नहीं पता था कि आप शहजादे हैं ये बात मुझे अगर मालूम होती तो मैं कभी आपसे खेतों में काम न करवाता मुझे माफ़ कर दीजिएगा शहजादा आलम सेब ने कहा मुझे शर्मिंदा ना कीजिए मैं शहजादा ज़रूर था मगर एक गरीब शहजादा था मैं महल से निकला था तो मेरे पास एक कौड़ी तक न थी आपने मुझ पर एहसान किया आप ही की वजह से तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि जान की नज़रों में सुरखरू हो सकूँ इसकी बात पर सुनकर बहराम को कुछ अतमनान हुआ शहजादा आलम सेब ने फिर कहा अब मेरे पास अब मेरे इस बाग के मालिक आप हैं इसके काम करने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा बहराम ने इससे इस बात का वादा कर लिया अगले रोज़ शहजादा से आलम सेब अपने महल वापस आ गया बादशाह और मलका से देखकर बहुत खुश हुए इसने अपने साथ लाई हुई अशर्फियाँ और सोने के सिक्के भी बादशाह को दिखाए और बोला अबा हजूर आपके हुक्म के, के मुताबिक मैंने गरीब आदमी के भीस में पूरा मुल्क देख लिया है महल में बैठ जो बातें मुझे नहीं पता लगनी थी मैं अब इनसे वाकिफ़ हो गया हूँ हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि सरकारी अहलकार अपने कामों को ईमानदारी और मेहनत से अंजाम नहीं देते लोगों की एक बड़ी तादाद इंतहा गरीब है क्योंकि इनके पास रोज़गार के मौाक़े नहीं हैं मैंने जगह जगह ऐसे बच्चों को देखा जो तलीम हासिल करने के लिए मकतबों का रुख नहीं करते ये बच्चे सारा दिन गली मोहल्लों में खेल कूद कर अपना टाइम गुजारते हैं और तालीमूरी की वजह से बड़े होकर अपने मुल्क के लिए काबिल कदर ख़िदमत अंजाम नहीं दे सकते मुझे ये भी पता चला कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद किसी हनर से वाकिफ नहीं है बड़े होकर वो सिर्फ मेहनत मजदूरी ही कर सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और वो हमेशा गरीब पे गरीब रहते हैं अगर ये लोग कोई हुनर सीख लें तो ये बात इनके लिए भी और मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आ, मुझे ये देखकर भी अफसोस हुआ कि पानी के कुएं बहुत कम और आबादियों से बहुत दूर हैं बेचारी औरतों को एक तवील फ़ासला तय करके पानी लाना पड़ता है मैंने ऐसे लोगों को भी देखे थे जो बार अपने बार बरदारी के जानवरों पर भी जुल्म करते थे करते हैं ना तो इन्हें अच्छा खाना देते हैं और ना ही इनकी ठीक तरह से देखभाल करते हैं बादशाह शहजादा आलम आलमजेब को ये बारे सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला फादे हमें मालूम है कि तो ये तमाम बातें जानने के लिए तुमने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं मगर इन बातों से हमारी भी आंखें खुल गई हैं हम कल ही हुक्म जारी करेंगे कि मुल्क में सब बहुत से स्कूल्स और मदरसे खोले जाएं ताकि बच्चों की तालीम अब कोई बच्चा भी तालीम से महरूम ना रह सके और हर गांव में देहात में जो है वो कुएँ वग़ैरह खुदवाए जाएँ ताकि पानी की दस्याबी आसान हो सके और नौजवानों को हुनर सिखाया जाए ताकि वो भी अपने पैसे ईज़िली कमा सकें Uh, तो ये थी शहजादा की कहानी तो गरीब शहजादे के रूप में जो है वो जाकर uh, उसने सीखा और एक गरीब आदमी की तरह उसने मेहनत की और उस मेहनत के फल में वो एक uh, असल मायनों में बादशाह बना तो आई स्टोरी आपने इस होगा और आपने कुछ इससे सबक भी लाजमन सीखा होगा तो इस तरीके से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे थैंक यू वेरी मच